बालको के स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने बालको नगर केंद्रीय विद्यालय की ओर से आयोजित जबलपुर संभागीय प्राचार्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बालको कटिबद्ध है। समाज के हर स्तर के लोगों को विकास की धारा में शामिल करना बालको का उद्देश्य है। बालको प्रबंधन न केवल अपने संयंत्रों को विश्व स्तरीय बनाने की ओर अग्रसर है बल्कि सामुदायिक विकास के कार्यों को भी उतना ही महत्व दे रहा है। 19 महीने की रिकॉर्ड अवधि में बालको विस्तार परियोजना की स्थापना से बालको विश्व के औद्योगिक नक्शे में आ गया है। बालको लर्निंग सेंटर में बालको के सौजन्य से 5 से 7 अगस्त तक बालको केंद्रीय विद्यालय ने जबलपुर संभागीय प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें जबलपुर क्षेत्र के 52 प्राचार्य और शिक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्रीय विद्यालय के स्तर की समीक्षा करना था। इसमें विद्यालय के शैक्षणिक स्तर के विकास के लिए प्राचार्य और शिक्षा अधिकारियों ने 3 दिनों तक अनेक प्रशासनिक मामलों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। प्राचार्य सम्मेलन के उद्घाटन पर बालको संयंत्र 2 के स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने प्राचार्यों को बताया कि बालको विस्तार परियोजना का कार्य अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। इससे बालको एल्युमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में हिंदुस्तान की अग्रणी कंपनी बन जाएगी। हमारा बालको जो है ये करीब पिछले 30-32 साल से कोरबा में हम एल्युमिनियम का उत्पादन कर रहे हैं। पहले एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, सन 2001 के बाद इसको प्राइवेटाइज किया गया और अभी जो हमारी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है which is listed on London Stock Exchange, is the only Indian mineral and metal industry with a turnover of $3 billion is listed in London Stock Exchange. और हमारा जो area है वो mainly metals और minerals में है, aluminium, copper, zinc, ये 3 हमारे मुख्य उत्पादन है। कोरबा में हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के बाद यहाँ पे जो स्मेल्टर लगा हुआ है उसका विस्तार करने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इतनी मॉडर्न प्लांट यहाँ जो लगाया गया है इज द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड द मोस्ट मॉडर्न टेक्निकल प्लांट वी हैव पुट अप इन कोरबा। नॉट ओनली इट्स अ प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ बट इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया एंड इट्स द मोस्ट मॉडर्न प्लांट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वी हैव पुट देयर हाईली प्रोडक्टिव। और आप कह सकते हैं कि अभी कोरबा का नाम जो है ये विश्व के मानचित्र में आ गया है और इस सब का श्रेय ना केवल बालको के कर्मचारियों को बल्कि कोरबा निवासी, यहाँ का प्रशासन, सरकार और जिस जिसने भी इसमें योगदान दिया उन सभी को जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट हमने लगाया यहाँ पे ये मात्र 19 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ना केवल एल्युमिनियम के उत्पादन में बल्कि बाकी भी जो एरियाज हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं उसमें भी हमारी वेदांता कंपनी जो है ये बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इसमें योगदान दे रही है। हमने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक अभियान चलाया हुआ है पूरे वेदांता ग्रुप में और बालको ने भी इसमें एक बहुत ही बढ़ चढ़ के योजना बनाई हुई है। आसपास के 4 गांवों को हम लोगों ने गोद लिया हुआ है, उन गांवों में शिक्षा, हेल्थ, बेसिक एमिनिटीज, वाटर और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, गांव के लोगों को शिक्षा देने के लिए समय समय के ऊपर बालको बहुत ही काम कर रहा है। और यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं उसके उत्थान के लिए भी काम किया जाए। यही नहीं, हमारा कॉलोनी के अंदर जो स्कूल्स हैं अभी हम लोगों ने हाल ही में निर्णय लिया है कि 3 स्कूलों को हम ओन करेंगे और उन स्कूलों के फर्दर विकास के लिए सेंट्रल स्कूल BCPP में और अपने बालको नगर में जो है आप सब जानते ही हैं बालको की उसमें पूरी साझेदारी है, भागीदारी है और हम समय समय पर यही कोशिश करते हैं कि उस स्कूल का स्तर कैसे और बढ़ाया जाए। अभी हाल ही में कंप्यूटर लैब का भी जो वहां पे स्थापित किया गया बालको के सहयोग से, ये सब इसीलिए किया जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं उनके प्रति जो हमारा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे हम जरूर पूरा करें।
बालको के मानव संसाधन के सह उपाध्यक्ष श्री एच के मेहता ने प्राचार्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु ही हमारे संपूर्ण ज्ञान का आधार होते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा के विकास के लिए आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि बालकों के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जुनून है। हम एल्युमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में बालकों को विश्व में अग्रणी स्थान दिलाना चाहते हैं। बालको केंद्रीय विद्यालय के नामित अध्यक्ष और वित्त एवं प्रशासन के सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल ने प्राचार्यों से कहा कि केंद्रीय विद्यालय की छवि बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय को ज्यादातर लोग हिंदी माध्यम विद्यालय के रूप में जानते हैं, इसलिए प्राचार्य सम्मेलन में ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए जिससे इसकी छवि हिंदी माध्यम संस्थान के साथ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की भी बने। We are trying to take all the expenditure relating to the school, whether it is towards the fixed assets or whether it is towards the running of the schools. प्राचार्य सम्मेलन के लिए बालको की ओर से किए गए इंतजामों की केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग के सहायक आयुक्त श्री आर एस राम ने दिल खोलकर प्रशंसा की। श्री राम ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य आपसे विचार विमर्श से ऐसे उपाय ढूंढना है जिनसे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। This is the important. Apart from that, we have discussed about the result, why the result of your school has come down, and how you have brought your result in so high expectations. At Balco Korba, the Balco is not only important on the stage of India, it is very important. बालको नगर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री डी एस शास्त्री ने सम्मेलन की मेजबानी करने की खुशी जताई। उन्होंने बालको प्रबंधन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राचार्य सम्मेलन के उद्घाटन पर बालको नगर और कुसमुंडा केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किया। जनप्रिय गीत संगीत और आकर्षक परिधानों में सजी छात्राओं के लयबद्ध नृत्य से दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। Thank you.
Thank you.